हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीएम इंटरव्यू प्रोसेस की कि आईबीएम का जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वहाँ पे राउंड्स कितने होते हैं एंड राउंड्स में क्या क्या होता है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ राउंड्स। तो आईबीएम में राउंड्स होते हैं टोटल हमारे 3 एंड कभी कभी हमारे नंबर ऑफ राउंड्स 2 भी हो सकते हैं अगर हमारा टेक्निकल प्लस एचआर राउंड जो होता है वो हमारा एक ही राउंड के अंदर आ जाए तो। ओके, तो हमारे 3 राउंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो राउंड होता है वो होता है रिटन टेस्ट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। दो हमारा सेकंड राउंड होता है टेक्निकल इंटरव्यू एंड देन एचआर इंटरव्यू। सारे राउंड्स होते हैं हमारे जो एलिमिनेशन राउंड होते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं रिटन टेस्ट के सिलेबस की, जो कि आईबीएम का सिलेबस अपडेट हो चुका है। तो हम अपडेटेड सिलेबस की यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आईबीएम का अपडेटेड सिलेबस क्या है रिटन टेस्ट के लिए। ओके, तो हम बात करते हैं आपके रिटन टेस्ट में कितने सेक्शन होते हैं, वहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा। तो टेस्ट सेक्शन हमारे होते हैं 4। सबसे पहले जो हमारा होता है वो होता है कॉग्निटिव एबिलिटी, एंड सेकंड जो हमारा होता है इंग्लिश, एंड थर्ड लर्निंग एजिलिटी एंड कोडिंग। गाइस, मैं यहाँ पे आपको एक एक करके सब बताऊंगा कि कॉग्निटिव एबिलिटी में क्या होता है, इंग्लिश में क्या आता है, लर्निंग एजिलिटी में क्या आता है एंड कोडिंग में क्या आता है। ओके, तो क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव एबिलिटी जो हमारा होता है वो गेम बेस्ड होता है। तो आपको यहाँ पे गेम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एंड आपको सॉल्व करना है। गाइस, एक बात और, जो हमारा राउंड सेक्शन 1 होता है कॉग्निटिव एबिलिटी का, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ी सी टफ होंगे एंड ट्रिकी होंगे। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा इस पर फोकस करना है अपने स्कोर को अच्छा करने के लिए। ओके, क्योंकि हमारा थोड़ा सा टफ होता है। एंड इंग्लिश, इंग्लिश हमारा नॉर्मल ग्रामर से ही आएगा सब कुछ, तो हमारा इंग्लिश का सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम बात करते हैं लर्निंग एजिलिटी। गाइस, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारा इस टेस्ट का। लर्निंग एजिलिटी में हमारे थोड़ा वहाँ पे साइकोमेट्रिक सेक्शन है आपका, साइकोमेट्रिक सेक्शन है। इसमें आपके नंबर ऑफ जो भी वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे किस टाइप के आएंगे, आपको लाइक आपको इस टाइप के एमसीक्यू आएंगे कि आप एग्री करते हो डिसएग्री करते हो इस टाइप के, लाइक आपकी लॉजिकल थिंकिंग को चेक करने के लिए आपको इस सेक्शन में वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा ट्रिकी एंड लॉजिकल। ओके, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एंड कोडिंग, कोडिंग राउंड में क्या होगा, आपके 5 एमसीक्यू प्लस 1 कोड। तो 5 एमसीक्यू जो होंगे हमारे वो ऊप्स, डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, आपके जो सीएस के सब्जेक्ट हैं उन पे बेस्ड होंगे। एंड जो हमारा कोडिंग राउंड है वो हमारा सी प्लस प्लस, जावा, किसी से भी आपको कोड करना होगा, लाइक नॉर्मल कोडिंग के क्वेश्चन वहाँ पे एक आएगा आपका, लाइक पैटर्न, एलसीएमएसएफ, जीसीडी नंबर, जो नॉर्मल कोडिंग क्वेश्चन होते हैं ना, तो नॉर्मल आपको वहाँ से प्रैक्टिस करके जाना है कोडिंग की। तो आपका वहाँ से कोडिंग का सेक्शन तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना है। तो एक तो कॉग्निटिव एबिलिटी पे एंड लर्निंग एजिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की नीड है, तो आपका हो जाएगा, थोड़ा सा टफ होता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कोडिंग की। इसमें कोडिंग का मैंने डिस्कस किया था कि 5 एमसीक्यू 1 कोडिंग होगा। एंड गाइस, अदर क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, नहीं, नेगेटिव मार्किंग आईबीएम में नहीं होती है। लेवल, लेवल क्या है इसका, हाई, लो, मीडियम। गाइस, इसका लेवल थोड़ा सा हाई है, क्योंकि तो हमारे 2 सेक्शन ऐड हो चुके हैं, वो थोड़े से टफ आते हैं। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी तो सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं ईच सेक्शन। तो सबसे पहले हमारे जो कॉग्निटिव गेम्स है ना, उसमें क्वेश्चन आते हैं हमारे 6 क्वेश्चन। तो हमारा जो 6 क्वेश्चन आते हैं, एंड आपको गाइस यहाँ पे मैंने टाइमिंग नहीं बताई है, टाइमिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से जाके चेक कर लीजिए, यहाँ पर टाइमिंग नहीं लिख पाई है। तो 6 क्वेश्चन को आपको 30 मिनट में सॉल्व करना होगा, 30 मिनट। एंड लर्निंग एजिलिटी के हमारे 50 क्वेश्चन है ना, तो 50 क्वेश्चन को आपको 30 मिनट में वहाँ पर सॉल्व करना होगा, 50 क्वेश्चन, टाइमिंग 30 मिनट। ओके, एंड नेक्स्ट सेक्शन जो आपका होगा इंग्लिश, इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व करना होता है, पर मिनट पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है। तो इंग्लिश कैसी पकड़ होना चाहिए कि हाल देखती है आपका आंसर आ जाए, वहाँ पे आप हाल ख्याल देख के उसको टिक करते करेक्ट। एंड कोडिंग, कोडिंग के 6 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट में सॉल्व करना होगा, लाइक 1 कोडिंग क्वेश्चन, 5 एमसीक्यू। ओके, तो यही था पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस आईबीएम का। अब हम एक बार और स्क्रॉल कर लेते हैं इसका क्या था प्रोसेस। रिटन टेस्ट हो चुका है, रिटन टेस्ट का सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं। टेक्निकल इंटरव्यू में नॉर्मल आपको अपने टेक्निकल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर होकर वहाँ पे जाना होगा। एंड एचआर इंटरव्यू, जो कि आपकी कम्युनिकेशन चेकिंग एंड प्लस बिहेवियरल क्वेश्चन एंड कंपनी के बारे में, वो सब क्वेश्चन। ओके, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस कर चुके हैं, टेक्निकल इंटरव्यू एंड देन ऑल दीज थिंग्स
अब हम आगे की और सारी वीडियो में हम टू और भी, अगर आपको प्लेसमेंट की गाइडेंस या और भी कंपनियों की डिस्कशन चाहिए तो हमारी लाइक प्लेसमेंट प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड प्लेसमेंट के मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, तो वहाँ पे आपको प्लेसमेंट के मटेरियल भी मिल जाएंगे एंड डेली इंटर्नशिप एंड जॉब अपडेट भी मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।